अपना घर एक संसार है, और ये सारा संसार, ये घर, अपनी लाइफ चलती नौ तत्वों के बल पर। इन नौ तत्वों को सही तरीके से समझ लिया तो रास्ता बहुत आराम हो जाता है। जीव है मेरी चेतना, अजीव है मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी जुबान, मेरे दांत, मेरी हड्डियां, ये कैसी सारी अजीव है। जीव और अजीव, इन दोनों के गठबंधन में आश्रव, संवर, बंध और निर्जरा के तत्व चलते हैं, और आश्रव में ही पुण्य और पाप आ जाता है। मेरे घर में परिवार के सदस्य जीव है, मकान अजीव है। मेरे परिवार में यदि शुभ का आश्रय हो गया तो पुण्य बढ़ेगा, और मेरे परिवार में अशुभ का आश्रय हो गया तो पाप बढ़ेगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, आश्रय हो गया, सातवें नारकी का आश्रय हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ, आश्रय होने के बाद, बंद होने के लिए जो अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, उतने समय में उसने भावधारा चेंज कर दी, मोक्ष में पहुंच गया। मूलभूत सूत्र ध्यान में रखना, आश्रय बंध में बदले उसके पहले समझ जाओ, बाहर से कोई बात आई है वो घर में घर कर जाए, पक्की हो जाए, आसन जमा ले, पांव जमा ले, उसके पहले निकाल सकते। एक बार पांव जम गए तो फिर तो परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। वैसे कोई अच्छी बात सुनी और उसको पकड़ करके नहीं रखा तो अच्छी बात का बंध नहीं हुआ, और बुरी बात पकड़ी ने उसको पकड़ के रखा तो बंद हो गया। आश्रय पुण्य का होगा, आश्रय पाप का होगा, अच्छी बातें भी आएगी, बुरी बातें भी आएगी, लेकिन कौन सी बात को पकड़ के रखना, कौन सी बात को छोड़ देना, ये विवेक होना चाहिए।